हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है माई ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर, और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं मोस्टली वो आपको प्रेजेंट टेंस के मिलेंगे और कुछ सेंटेंसेस के अंदर पास्ट टेंस के रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। ग्रैंड पेरेंट्स आर ट्रूली अ ब्लेसिंग इन आवर लाइव्स। ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी, या बहुत सारी जगह पर अम्मा बाबा भी बोला जाता है, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी, आर मीन्स हैं। आर का यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बात हो रही है, दादा दादी के बारे में हो रही है, सिर्फ दादा या सिर्फ दादी के बारे में नहीं हो रही है। ट्रूली यानी कि वास्तव में या फिर सच में, और ब्लेसिंग यानी कि वो सच में एक वरदान है या आशीर्वाद है इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में। तो सेंटेंस को हम बोलेंगे, दादा दादी वास्तव में हमारे जीवन में एक वरदान है या फिर एक आशीर्वाद है। दे आर द वन हु हैव मेड आवर पेरेंट्स टू पेरेंट्स द वे दे आर। दे आर द वन, वो वे एक हैं जो हैव मेड, जिन्होंने बनाया है, ठीक है, आवर पेरेंट्स, जिन्होंने हमारे पेरेंट्स को बनाया है द वे दे आर, जिस तरीके के वो हैं, उस तरीके का वो हैं जिन्होंने हमारे पेरेंट्स को बनाया है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर अपब्रिंगिंग दैट आवर पेरेंट्स लव अस इमेंसली। इट इज़ बिकॉज ऑफ, इट इज़ यह है बिकॉज ऑफ यानी कि के कारण है, देयर अपब्रिंगिंग, देयर मतलब उनकी अपब्रिंगिंग का मतलब क्या होता है, परवरिश करना या फिर लालन पालन करना, यह है के कारण, बिकॉज ऑफ यानी कि के कारण, किसके कारण है, देयर अपब्रिंगिंग, यह उनकी परवरिश के कारण है या फिर यह उनके लालन पालन के कारण है। दैट कि आवर पेरेंट्स लव अस इमेंसली, कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता लव, हमें प्यार करते हैं, अस मीन्स हमें, इमेंसली हमें बेहद प्यार करते हैं, एंड केयर फॉर अस, और हमारा ध्यान रखते हैं, द सेम वे आवर ग्रैंड पेरेंट्स डिड। व्हेन द सेम वे, सेम वे यानी कि बिल्कुल उसी तरीके से आवर ग्रैंड पेरेंट्स डिड, जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने किया। डिड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हमें पास्ट टेंस में बोलना होता है, जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने किया, व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वे बच्चे थे। हमारे माता पिता हमें सेम उसी प्रकार से प्यार करते हैं जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारे पेरेंट्स को जब वो बच्चे थे किया। मोर ओवर, इसके अलावा, ग्रैंड पेरेंट्स आर योर सपोर्ट सिस्टम। ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि आपके दादा दादी जो है, आर मीन्स है, योर सपोर्ट सिस्टम, वो आपके सपोर्ट सिस्टम है, यानी कि वो आपकी सहायक प्रणाली है, ऐसा आप बोल सकते हैं हिंदी में। सिस्टम मतलब कि हमें साथ देने वाले हैं, इस तरीके से। दे आर समटाइम्स द ओनली पीपल हु सपोर्ट यू इवन इफ योर पेरेंट्स डोंट। दे आर समटाइम्स, दे आर, वे हैं कभी कभी द ओनली पीपल, वो खाली कभी कभी केवल वो व्यक्ति होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, हु सपोर्ट यू, जो आपको सपोर्ट करते हैं, इवन यहाँ तक कि, या फिर चाहे, इवन का मतलब चाहे भी होता है, यहाँ तक कि होता है, यहाँ तक कि इफ योर पेरेंट्स डोंट, चाहे आपके माता पिता नहीं करते हो, पर आपके दादा दादी आपको कभी कभी सपोर्ट करते हैं, वो एक व्यक्ति होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे महत्वपूर्ण, ग्रैंड पेरेंट्स आर ट्रू बिलीवर इन आवर स्किल्स एंड टैलेंट। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो वास्तव में एक सच्चे विश्वासी होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं बिलीवर्स, यानी कि विश्वास करने वाले होते हैं इन आवर स्किल्स, हमारी कौशलता के ऊपर, या हमारे कौशल के ऊपर, एंड टैलेंट, और जो हमारे अंदर टैलेंट होता है, टैलेंट का मतलब क्या होता है, कि जो भी हमारे अंदर खूबियां हैं, जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हम करने के लायक हैं, यानी कि हमारे जिस भी चीज़ को करने की हमारे अंदर प्रतिभा है, तो वो उस पर विश्वास करते हैं, हमारी चीज़ों पर विश्वासी हैं। दे आर द वन हु पुश अस टू परस्यू आवर ड्रीम। दे आर द वन, वो वे एक हैं हु पुश, पुश मीन्स क्या होता है, धक्का देना, ठीक है, बट पुश का मतलब होता है प्रेरणा देना भी, ठीक है, पुशस यानी कि जो हमें प्रेरणा देते हैं, परस्यू आवर ड्रीम्स, परस्यू यानी कि आगे बढ़ना, और परस्यू का मतलब हासिल करना, आवर ड्रीम्स, जो हमारे सपनों को हासिल करने में हमें प्रेरणा देते हैं। व्हेन द वर्ल्ड, व्हेन यानी कि जब द वर्ल्ड पुट्स अस डाउन, पुट्स यानी कि डालता है, अस मीन्स हमें डाउन, जबकि वर्ल्ड जो है, संसार जो है, हमें नीचे फेंकता है या नीचे डालता है, दोनों आप बोल सकते हैं कि नीचे खींच रहा होता है, बट वो हमें पुश करते हैं कि हम तरक्की की ओर बढ़े। Even though some of our dreams may not make sense to them, even though, हालांकि, या फिर यहाँ तक कि, आप ऐसे ही बोल सकते हैं,
सम ऑफ आवर ड्रीम्स, हमारे कुछ सपनों में से मे नॉट मेक सेंस टू देम, उनके लिए उनकी समझ नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे कुछ सपने जो हैं वो उनकी समझ नहीं आ सकते हैं। सकते हैं क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे मे का यूज़ हुआ है, मे नॉट मेक सेंस टू देम, उनकी समझ में नहीं आ सकते हैं। नंदलेस, फिर भी दे स्टिल बिलीव इन अस, दे स्टिल फिर भी वे विश्वास करते हैं, वे अभी भी हम पर विश्वास करते हैं। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, बिलीव इन अस यानी कि विश्वास, हम पर विश्वास करते हैं। दे बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस एंड अलाउ अस टू परफॉर्म बेटर, दे बूस्ट वो बढ़ाते हैं आवर कॉन्फिडेंस, हमारे आत्मविश्वास को, एंड अलाउ और अनुमति देते हैं, अस मीन्स हमें, और हमें अनुमति देते हैं टू परफॉर्म बेटर, अच्छा प्रदर्शन करने की, परफॉर्म करना यानी कि प्रदर्शन करना, किसी भी चीज़ को करना एक तरीके से, हमें अच्छा करने की अनुमति देते हैं और हमारे अंदर विश्वास बढ़ाते हैं। फर्दर मोर, इसके अलावा, ग्रैंड पेरेंट्स आर वन of the main reason why we feel safe and protected. Furthermore, इसके अलावा grandparents यानी कि दादा दादी are one of the main reason. One of the main reason यानी कि मुख्य कारणों में से एक है why, क्यों, we feel safe and protect. We feel, हम महसूस करते हैं safe and protect यानी कि हम सुरक्षित, प्रोटेक्ट का मतलब भी सुरक्षित होता है, सेफ का मतलब भी सुरक्षित होता है। ठीक है, हमारे जो दादा दादी हैं वो एक मुख्य कारण में से हैं जिनके कारण हम सुरक्षित महसूस करते हैं। वी नो इवन इफ, वी नो हम जानते हैं, इवन चाहे, इवन का मतलब मैंने आपको दो बारों बार बताया कि यहाँ तक भी होता है और चाहे भी होता है। इफ वी डोंट लिव विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे वी डोंट लिव, चाहे हम नहीं रहते हैं विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे हम अपने दादा दादी के साथ नहीं रहते हैं, दे आर ऑलवेज प्रेइंग फॉर अस, दे आर ऑलवेज, वो हमेशा प्रेइंग फॉर अस, वो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं, करते रहते हैं। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे प्रेइंग आ रहा है। ठीक है, वैसे हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस है, काफ़ी सारे मुझे कमेंट भी आए थे कि मैम आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर ऑलवेज का यूज़ क्यों किया। जब आप किसी भी चीज़ को बोलते हो कि चीज़ होती रहती है, वहाँ पर आप ऑलवेज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दे आर ऑलवेज प्रेइंग फॉर अस, वो हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। ठीक है, दे आर लुकिंग आउट फॉर अस, वो हमारी चौकसी करते रहते हैं या हम पर ध्यान देते रहते हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन सेफ प्लेस इज देयर ग्रैंड पेरेंट्स, ऑलमोस्ट लगभग सभी के लिए सबसे सुरक्षित जगह जो है वो उनके दादा दादी का घर होता है। इस तरीके से सिंपली आप इसे बोल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये पैराग्राफ था, रीज़न क्योंकि फिफ्थ और सिक्स क्लास के लिए भी मेरे पे एक कमेंट आ रही थी कि मैम फिफ्थ और सिक्स क्लास के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी कुछ ऐसे के टॉपिक शेयर कीजिए। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, ईजी है, ईजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा अपब्रिंगिंग यानी कि परवरिश करना। सेकेंड वर्ड है इमेंसली यानी कि बेहद या बहुत ज़्यादा। एंड थर्ड है सेंस यानी कि समझ। इन तीनों ही वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट है बिलीवर्स, नेक्स्ट है सिस्टम, एंड थर्ड वर्ड जो है हमारा वो है नंदलेस। बिलीवर्स, सिस्टम, नंदलेस। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।